नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। और इस वक्त हम हैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ की ऊपर कोर्ट मार्केट में। तो मार्केट में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, अपने सांसद प्रत्याशी बीजेपी से जो सांसद हैं सतीश गौतम, और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह और अजीत बालियान जो सपा बसपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक क्या करते हैं? जी, बाल कटिंग की दुकान है। बाल कटिंग की दुकान है। तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में माहौल साहब ये है कि देश में कोई भी आए विकास होना चाहिए, बस। अच्छा, विकास होना चाहिए। कौन आएगा तो विकास हो जाएगा? विकास तो भाई मोदी ने तो सारे झूठे वादे किए हैं। किया क्या मोदी ने सिवाय दुनिया घूमने के? पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उन्होंने अपना नाम डाल दिया। उन्होंने किया क्या है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और कर क्या रहे हैं? यही जाति के पर वोट ले रहे हैं वो। मोदी जी तो कहते हैं 130 करोड़ जनता सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नीचे के लोग वो तो ये भी करते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि जब मैं कोई योजना चलाता हूँ तो वो तो हिंदू मुसलमान सबको मिलती है। योजना मिल कहाँ रही है? जमीनी स्तर पर दिखाई कहाँ दे रही है? कौन सी योजना? आपने कभी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला आपको? कोई लाभ नहीं मिला। मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं? प्लास्टिक की दुकान है। मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता मुसलमानों को, जो भी मिलता सब हिंदू लोगों को मिलता। मुसलमानों को कैसे लगा आपको? बिल्कुल विकास कभी हुआ ही नहीं है, मुस्लिम इलाकों में कोई विकास ही नहीं हुआ। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली बजरंग बली बैठे हुए हैं, अली बजरंग बली भी बैठे हुए हैं। मायावती भी तो कह रहे हैं बांटे दे रहे हैं, देश को बर्बाद। मायावती का बयान सुना कि नहीं आपने? मायावती भी वही कर रही है जो योगी कर रहे हैं, वही मायावती कर रही है। गठबंधन जीतेगा। मायावती की अपील आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल मान रहे हैं, गठबंधन जीतेगा। योगी जी की बात बुरी लगती है आपको? और मायावती जब खास तौर पर मुसलमानों से कहती तो अच्छा लग रहा है? योगी जी हिंदू मुस्लिम को एकता करके कोई काम ही नहीं करते। वो तो सिर्फ हिंदू गाँव पे पहले गैया पे चला था क्या, वो गाय बचाओ का गाय मरी पड़ी है। आप देखिए यहाँ पे घूम घूम के देखिए, गाय को खानों को नहीं है। सुबह यहाँ गाय घूमती है मस्जिद के पिछली साइड में, ये गाय मरने को तैयार पड़ी है यहाँ पे, उनको खाने को तक को नहीं है गायों को। ये कहते हैं गाय बचाओ गाय बचाओ, कहाँ से गाय बचाओ? सारा तो ये खुद खाए जा रहे हैं, जितना पैसा आता है वो सब ये खुद खाए जा रहे हैं, इनके नेता लोग खाए रहे हैं गाय सब। आप देखिए गाय सब बंद है, मुसलमान को भैया मार्केट है, थोड़ा सा भीड़ मत लगाइए ना, जाम ना लगे हमारे। पूरी तरीके से जीत रहा है आप कैसी? अच्छा, 100% जीत रहा है और हाथ ही जीतेगा। मोदी जी ने अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नहीं लगते हमें, तो कतई बुरे लगते हैं। क्यों? कुछ करा ही नहीं है आज तक, कुछ करे नहीं है यहाँ पे। 5 साल में वादे किए, आज तक कुछ पूरे नहीं किया। कोई वादे पूरे ही नहीं हुए मोदी जी के, जो अच्छे लगेंगे। जो मालदार था वो और ज्यादा मालदार हो गया, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। आज तक करना चाहिए विकास होना चाहिए, गरीब के संग विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम नाम है मेरा। क्या करते हैं? मेरी लेस की दुकान है। लेस की दुकान है, लेस की। अच्छा, मैं यहीं रहता हूँ, लेस की दुकान है। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में माहौल ये है कि बीजेपी की पूरे आसार हैं जीतने के, मगर हम कोशिश करेंगे कि गठबंधन आए। के आसार बीजेपी के हैं, मगर आप कोशिश करेंगे गठबंधन? हाँ, हम एक होके वोट देंगे। अच्छा, एक होके? जी, एक होके कैसे होता है? अपन तय करते हो बैठ के? सीधे सीधे हमारी गठबंधन जीतेगी। क्या नाम है आपका? निशा भारद्वाज। निशा भारद्वाज यही अलीगढ़ की रहने वाली हैं? जी, अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। वोट देती हैं? जी। इस बार क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? यस। क्या किया है बीजेपी? बीजेपी ने मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया बताइए? महिलाओं के लिए, आपके लिए? महिलाओं के लिए खूब घर घर गैस दिलवाई है, और तुम्हारे और तुम्हारा जो मतलब गरीब जो महिला है इनको आवास दिलवाए हैं। गरीब जो चिल्लाओ मत, आप इनकी सुन ले फिर आपके पास आ जाएंगे। ऐसे चिल्लाने में कोई फायदा नहीं है। घर दो दिन से गैस सिलेंडर बढ़े, इससे पहले 5 साल के अंदर क्या किया ये बताइए? गैस सिलेंडर 2 दिन से गैस सिलेंडर बढ़ रहे, इससे पहले क्या किया? 950 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, पहले 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, अब 950 रुपए का। कुछ आई नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है? सुधीर कुमार शर्मा, एडवोकेट, पेशे से वकील हूँ, पूर्व सेक्रेटरी हूँ अलीगढ़ बार एसोसिएशन का, और भाजपा विचार परिवार का राष्ट्रीय सह प्रभारी हूँ। अच्छा। और ब्राह्मण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का प्रदेश सचिव यूपी का। काम क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने काम इतना किया है, अरे बता रहा हूँ, जन जन योजना मोदी ने दी, 111 योजना दी, घर घर में गरीबों के लिए आवास दिए, जो वास्तव में गरीबों के लिए निःशुल्क आवास दिए, 2,67,000 रुपए गरीबों के लिए दिए, मकान बनाने के लिए, और मैंने दिलवाए। आप सर्वे कर लिए? उनका कहना क्या? मैंने दिलवाए ना,
मैं कह रहा हूँ मैंने करीब यहाँ पे शहर के अंदर 1400 से ऊपर मकान दिलवाए लोगों के लिए। हाँ ये बता रहे कुछ समझे, और जिसको ना मिल रहे हो जो वास्तव में गरीब हो और लेना चाहे तो मुझसे मिलने मैं दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा, मेरे पास भेजो ना, मैं दिलवाऊंगा। ये कह रहे हैं कि अगर नहीं मिल रहा यहाँ लोगों को तो इनका नंबर और नाम नोट कर लीजिए, मैं नंबर से कहिएगा दिलवाएंगे। देखो 9411212 आपका रवि प्रकाश, रवि प्रकाश क्या करते हैं? मैं सर मीडिया में ही हूँ। मीडिया में जी सर, पंजाब माहौल, पंजाब केसरी में क्या माहौल है यहाँ? माहौल सही है सर, मेरा मकान आया था सरकार से, मेरा मकान बना, लैट्रिन बनी और तुम्हारा जो मेरी गांव की जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी मकान हैं, वो सारे के सारे बने हैं, लेकिन बने इसी साल में है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने किया नहीं है, आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा है। आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाइए, तमाम जो जितने लोगों की मौतें वहाँ होती थी पहाड़ियों पे से गिरने की वजह से, आज वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपका शकील अहमद, मैंने अपनी लड़की की शादी करी तो वो जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, मैंने फार्म भरा आज तक ना मिले, दो साल हो गए आज तक पैसे ना मिले। चौकीदार चोर है, नारेबाजी नारेबाजी नगरी है। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं, थोड़ा साइड हो जाइए भैया आराम से देख के, थोड़ा महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बात करिए आप, देखिए बात करने से मत घबराइए। और लोग चलो बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी भीड़ हो गई थी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या माहौल है लोगों समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। हाँ अलीगढ़ में ही हूँ। वोट देती हैं आप? हाँ मैं देती हूँ हर साल वोट। तो इस बार क्या लग रहा है, किसके माहौल पर? नहीं मोदी जी जीतेंगे और मोदी जी को ही वोट देना है। क्या किया है मोदी जी? क्यों नहीं क्या किया, नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने सबके घरों में लैट्रिन की सुविधा दी है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए करवाया है, जगह जगह रोडों को वो करवाया है, पहले इतनी अच्छी रोड नहीं थी, जहाँ जहाँ और अच्छी रोडें हैं, और क्या कहते हैं, और मतलब हमारे जो देश में इतना वो करा था पाकिस्तान वालों ने, आतंकवादियों ने, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छा सर्जिकल जो स्ट्राइक किया है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ और सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम आपके, वो कैसे लगते हैं? अब उनसे मतलब नहीं है, मतलब जो उनने किया वो उनका है, लेकिन मोदी जी है, मतलब मेन फोकस मोदी है, जिताना मोदी को है हमें बस। सांसद प्रत्याशी मतलब नहीं है? वो तो है, ठीक है जो अपने कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि जो 5 साल में जो इतने गड्ढे हैं वो भरना मुश्किल होता है, अगर हम उनको और 5 साल देते हैं तो शायद वो देश को और कुछ कर दें, और कुछ कर दें। चलिए और लोगों से बात करके देखते हैं आगे चलते हैं, थोड़ा मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे तमाम है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप लोग बात क्यों नहीं करती हैं? आप लोग बात नहीं कर, महिलाएं जो है इस देश में बहुत जरूरी हैं, वोट देती हैं ना आप? हाँ देते हैं। थोड़ा बताइए भी कौन अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? इस वक्त तो गरीबों के लिए सास्ते ही ना, किसी के लिए तो गरीबों की सताई ना भाई, गरीब भाई परेशान है इस वक्त बहुत ज्यादा, काम धंधे है नहीं है बिल्कुल भी, क्या करा जाए। वोट देंगे? वोट तो देंगे, अब जिसे मर्जी चाहेगी उसे देंगे वोट, तो हमें तो वोट आप अपनी मर्जी से देती हैं कि घर में जो कहते हैं आपके पति वो उनके साथ? नहीं मर्जी से देते हैं अपने वोट, जिसे दिल चाहता है उसे देते हैं। अच्छा। मोदी जी तो आप मुस्लिम महिलाओं की बड़ा बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, वो उसमें आप लोग का अधिकार दिलाने की बात करते हैं, उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बारे में बात नहीं करेंगे आप? अच्छा ठीक है, किनका इंटरव्यू ले लें? सर ये बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से। आंटी क्या नाम है आपका? मिसेस गुलबहार। गुलबहार जी, जी चुनाव आ गए, वोट देती होंगी आप? जी। इलेक्शन में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? तो इसका माहौल तो लग रहा है कि मोदी सरकार तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे कारोबार ठप हो गए, सभी परेशान हैं, और कांग्रेस होनी चाहिए। मोदी जी तो मुस्लिम महिलाओं की बहुत बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत किया, 3 तलाक का बड़ा वो गिनाते हैं बार बार, 3 तलाक का मुद्दा जो माना जाता था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में को पीछे ले जाती है, महिलाओं के हक को मारती है। मुस्लिम से नहीं कहते, वो तो शिया हैं, शिया के बारे में है, वो तो बुरखा जो बुरखे में होती है वो मुस्लिम ही मानी जाती हैं, लेकिन वो शिया लोग शिया औरतें होती हैं। 3 तलाक पर क्या सोचती हैं आप, सही है गलत है? 3 तलाक देखिए इस बोलिए, बाकी बोलिए उसमें क्या है जो आपको सही लगता है वो बोलिए। मुझे तो ये सही लगता है कि मुस्लिम में 3 तलाक का नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा
वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, औरत के लिए। मोदी जी, तो मोदी जी ने तो आप लोग के लिए काम किया एक तरीके से, तो उन्होंने तो संशोधन लाया, संविधान संशोधन, और उसके बाद इस चीज को हटवाया है, तीन तलाक को खत्म करवाया है। इस बारे में जानती मैं नहीं, इस बारे में नहीं जानती मैं। अच्छा। फिर भी आप जब वोट देने जाती हैं तो सांसद कैसा हो, क्या सोचती हैं इस बारे में? हमारा क्या कहते हैं, सरकार अच्छी होनी चाहिए, जो कि आवाम के बारे में अच्छा सोचे। महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए? देखिए, एक तो नौकरियां होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, नौकरियां आजकल बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, और भी ज़्यादा काम है। कितने बच्चे हैं? मेरे तो दो बच्चे हैं। क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। क्या चाहती हैं आगे चल के क्या बने? मैं तो अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहती हूँ। नेता नहीं बनाना चाहती? क्या नाम बेंटी आपका? अच्छी नहीं है नेता की। जी क्या नाम है? वो तो लुढ़क गया। लुढ़क गया मोदी तो। क्यों? कुछ क्या करा है? हाँ, हम औरतों को गरीब कर गया बिल्कुल है, क्या करा है? जो गुड़ी हटी वो सब निकलवा लिया हमारा, कुछ करा हमारी नहीं है। वो तो तीन तलाक की बहुत बात कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए। सवाल नहीं निकाले आप, उसको आवाज नहीं निकाली आप, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बात नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है वो? हाँ बिल्कुल गलत, आप भी गलत बोले, वो भी गलत बोल रहा है, मोदी जी भी गलत, बिल्कुल गलत है। क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं। हाँ औरतों के लिए तो शायद किसी ने करा होगा। अच्छा, क्या किया बताइए? वो तो दुनिया देख रही है क्या करा मोदी ने। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम जीनत है। आप वैसे पूछ ली, नाम नहीं बताएंगे हम? नहीं बता दिया मैंने, जीनत बता दिया जी। मेरे नाम से क्या बता दिया? क्यों अच्छे लगते हैं आप मोदी? देखिए अच्छे लगते हैं। देखिए एक बात, आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी? मुझे लगना क्या पता, वोट आपको नहीं नहीं, वो बात सुनिए, ये तो हमारी मन को है कि किसको देना है मैं वोट। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल एक बात बताएं, हम कैसे किसी को खराब कह दें? अच्छा, हम किसी को खराब नहीं कहेंगे। बिला मतलब हम किसी को खराब कह देंगे, वो खराब है कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है, ये ऊपर वाले जानते हैं। यहाँ यहाँ माहौल, यहाँ माहौल कैसा है चुनाव में है? ये तो अल्लाह ही बता सकता है। आप वोट देती हैं कि नहीं? वोट देती हैं कि नहीं? हाँ देते हैं, देते हैं। बोलो किनारे हो जाओ भैया, इधर आ जाइए थोड़ा सा। देते हैं क्यों नहीं देते? पूछने से कुछ होता है लेडीज के बारे में? आप जो पूछ रहे हैं कुछ होता है इंटर? हाँ मैं समझ गई इनकी क्या ले रहे हैं। देखिए मुस्लिम महिलाओं से बात नहीं करते लोग, मीडिया वाले जाते हैं, आदमी पुरुषों से बात करके निकल जाते हैं। मैंने देखा यहाँ मुस्लिम महिलाएं कई सारी हैं, इसलिए मैंने बात करने की कोशिश की कि आप लोग क्या सोचती हैं जब वोट देती हैं, तो दिमाग में क्या चलता है, अपने मन से वोट देती हैं कि नहीं देती, क्योंकि महिलाओं को काफी मन से देती है, मगर गलत होता है तो बुरा निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्या जैसे मोदी टूटता नहीं इसी तरह से टूटेगा वो एक दिन, बिल्कुल इंशाल्लाह। और लोगों से चलिए बात करने कोशिश करते हैं, बड़ा जाम लग गया है भाई यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन नाम है, मेहंदी हसन। क्या करते हैं? मछली बेचता हूँ। मछली? मछली बेचते? जी हाँ। फरमाइए। तो चुनाव कैसे चल रहा है? मैं तो मतलब ये हम लोग मोदी जी को तो वोट देंगे नहीं। क्यों? उसकी वजह यहाँ चार पाँच सालों से इनकी सरकार बढ़े, किसी लोगों को सुकून नहीं है बेचैनी के अलावा, चाहे हिंदू भाई सही चाहे मुसलमान भाई, दुनिया जो लोग बीजेपी के लोग हैं वो इसकी बीजेपी की भलाई करते हैं, बाकी कोई भी कास्ट का मुसलमान के अलावा हर कौम जो चाहती है कि हम बीजेपी को वो वोट ही नहीं दें, क्योंकि कोई भी खुशहाल नहीं ना हिंदू ना मुसलमान इस पार्टी, उसकी वजह क्या हर आदमी खुश किससे? खुश तो आने वाले टाइम में होगा इलेक्शन में, जो टाइम बता रहे सब किसके पास माहौल जा रहा है? पहले जो माहौल कांग्रेस का किसी हुकूमत का रहा वो अच्छी माहौल रहा, इसके माहौल जैसे बीजेपी आई है जैसे तबाही और बर्बादी पूरे हिंदुस्तान की, पूरा हिंदुस्तान का एक मुद्दा पकड़ लिया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, अब वेलकम बीजेपी कराने वाला मोदी करा रहा, जो भी कुछ करा रहा है ये जुल्म कराना, फौजियों का हमारे मरवाना, अब पाकिस्तान में इल्जाम झूठा लेना, ये सब मोदी की चाल है। अच्छा आप कह रहे हैं पाकिस्तान में झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? ये झूठा इल्जाम लगा रहा मोदी ने, बताइए झूठा इल्जाम दे रहे हैं। मामला क्या, किसने कराया? अल्लाह बताया जाना, जो सुनवाई लोग जिन लोगों का बयान आ रहा अभी तक इस तरह का बयान आया कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, मोदी कराना जो कर्ज करा रहे हैं हिंदू भाइयों को, क्या करा रहे हैं? मतलब झगड़ा कराना, लोगों को मरवाना, कश्मीर आप कह रहे हैं जो सेना के लोग मरे थे उनको मोदी ने मरवाया? मोदी की और क्या, ये तो लोगों का बयान है, ये सब मोदी का बयान है, लोगों का करा रहा मोदी जो करा रहा है, लोगों को भड़काने के चक्कर में इलेक्शन को पलटवाना अपनी तरफ करके। ये तो कह रहे हैं जो